तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया है, जहां झामरी और झांसुबा गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम कृष्ण है, जो जमालपुर गांव का रहने वाला है, जबकि उसका दूसरा साथी जिसे हादसे में गंभीर चोट आई है वो भूरावास गांव का रहने वाला है। एक्सीडेंट का मामला है जी, तीन मोटरसाइकिलों का हो गया। एक मोटरसाइकिल चालक जिस पर जो मरे हैं, मृतक है, गांव जमालपुर से कृष्ण कुमार नवशोकरण, ये आ रहे थे जाड़ली गांव से, ये और इसका दोस्त था एक भूरावास गांव से, ये एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और ये जो मृतक कृष्ण है ये मोटरसाइकिल चला रहा था। अच्छा, तो सामने जासवा की तरफ से आ रही थी एक मोटरसाइकिल पल्सर वाली, उससे टकराई है, फिर उसके पीछे पीछे एक मोटरसाइकिल और थी, वो भी अनबैलेंस होकर और टकराने के बाद ये सड़क पे गिर गई, तो उसके बाद भी वो टकराई, उसके मामूली ही चोटें बताई जा रही हैं। उसका अभी जो इसके साथ था दूसरे, उसका भी काफ़ी चोटें लगी हैं अभी। वो कहाँ पे? वो भी उसको कोई रुका नहीं आया अपने पास, वैसे पता करने लग रहा हूँ मैं कहाँ वो है, यहाँ भी नहीं पहुँचा है वो, कहाँ तक अभी तक मामला आया नहीं। कृष्ण का पोस्टमार्टम वगैरह? हाँ, कृष्ण का पोस्टमार्टम अब कराने लग रहे हैं। किसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया? ये तो जो दूसरी बाइक है पल्सर, उसी के उसमें है। तीन बाइक भिड़ी है? हाँ, तीन बाइक भिड़ी है, असल दो बाइक भिड़ी है, पीछे पीछे आ रही थी, वो भी एकदम इनके भिड़ने के बाद अनियंत्रित हो गए और वो भिड़ने से जा टकराई। क्या नाम आपका? राहुल। कृष्ण एक ही बाइक पे? कृष्ण और एक इसका साथी भूरावास से इंद्रजीत, दोनों एक बाइक पे थे जिसको कृष्ण चला रहा था। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। बता दें कि मृतक कृष्ण अपने साथियों के साथ बाइक पर झाड़ली गांव की तरफ आ रहा था, इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई। पुलिस ने इस मामले में पल्सर मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। वहीं मृतक कृष्ण के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।